असली नेपाल में झगड़ा करबे ता आ चूल्ही अलग करबे ता त बूढ़ा पिलछी अगर गलत बात होई त रउवा लोग अपना अपना मोबाइल में सेव करब हम गलत बात न रहल बाप मतारी न अलग मेहरारू पहले करावे मेहरारू लेकिन अभी बाप मतारी अलग करा ल एगो बाप बा जीवका रह जाए तो बीच में दोनों ओरी खाई तो लड़ ला के आ बूढ़ा पिलसिन आ जाए तो 8000 तो कहते छोटका हमरा न मिलत तो जेड़का कहते एक रुपये हमरो न मिलत ना ले ले तो जाना कहते लहे चूल्ही आला असली सरकार अलग करावे के व्यवस्था कर दिले बा बूढ़ा पिलसिन 8000 रुपया से महीना में बूढ़वा के काम चले वाला नहीं के यही बेर मर जाए तो 50000 लग जाए लेकिन 8000 से कुछ हो वाला बा आ नीमन नीमन घर में चूल्ही अलग हो नो तो ये सब ऊपर के राजनीति का उल्टा जवन न सोचले बड़ी तब न देख आ जवन न सोचले बड़ी तवन सुनम आ न देखले बड़ी जवन देख जैसे में आई नायका में एगो वायरस में आल विदेश से वो अपना बाबू से कही जाके कहिया के दिन उतर लूगा तो कह दे छोड़ ना दिन उतर गेल वायरस खत्म होते तो मोबिलवा के नाच बना देबो गांव के लोग अभी पढ़े तक भोज कहिया हुई ओकर बेटा का बियाह कब हुई तो लड़की भी जागरी होके सवेरे टेम्पू में टाटा 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 कर रही पहुंच गेल शादी हो गेल आ लड़की चल गेल बिदागरी होके अभी तो सफा गांव भर में एक पीस उहे गणासी के ठेया आइले रहे गणासी के ठेया रहे तब दोसर गोटा संघातिया कहते पार्टनर शादी में तो हम न गेलिए गे रहा अकेले दू तीन गोटा से किंग अब हमारे ससुराल में मानदान दुनिया में सबसे ज्यादा हमारा मानदान रात भर तो हम साफ बुझ ला कि स्वर्ग में बढ़ी हो तो पटना बाबू कहते रहे साला तो स्वर्ग में रह शादी कौन बेर कैले रे शादी शादी भेल आई तो तू बियाह कैले आ जब बरियात न गेल तो तू जब ही कि न जब ही ए पार्टनर किंग करू छोड़ न दे एक बेर साल भर के बाद जब ना वायरस में बियाह कैले बड़े जल्दी बियाह कर एक बेर आओ चल जो न तो वायरस खत्म हुई कितना घर बदला गेल है चलिए जो तक पार्टनर हमारे न मोटरसाइकिल बन तेल बा आ न ढेगा दर 500 आ मोटरसाइकिल हमार हो बिहान सवेरे ले चल 500 रुपया दे ओकरा मोटरसाइकिल दे दे आ ओकरा गाड़ी हाके के लूरे न अब थरथराई थरथराई पहुँचे था गेल 500 रुपया दिल तो 200 रुपया के क्वार्ट पीस के लुगा के लेल सास ला आज 150 के तेल भरा ले बाचल 150 तो 50 रुपया के अपने भोला वाला पानू 100 रुपया बाचल तो ऊपर मिठाई ले आधा किलो पाव ससुरारी तैयारी आ दोपहर में सब लोग जब या बियाह में जाले तो साज में न जाले कि चल रात हो गई तो कोनो लोग न देखी आ ऊ पुगे तो 11 बजे दिने अब मोटरसाइकिल कहाँ का देखते थे अब आप फल लगे दाम तो जाए फिर हे हम तो देखो भी जाए तो बिया पाछा ताके लगे तो ले बड़ा बकरिए जाते थे हाँ हाँ परे तो लोग बकरी के कोट उठते उठते डांडे ले बोला तैयार फलक में हमारे जाए जाए दे बोलता ही दिया समझ अब बोला सही बोल रहे हैं साला कार के भेजे तो कार के लोग बारी में रहे अब जब आए ससुर के दूरा पर उतार के पूरे से घिसिए हुए ले आल पिलवा और आके ले ओह नो आके लगा दे स्टैंड खड़ा कर गाड़ी के आ जब खड़ा भेल तो अब तो सास देख के लागल लावल लगे कूद सही बात हो सास दामाद के जितना मान दे वाले वो अपन बेटा के न माने बेटा के दू घड़ी न देखी पतो के न देखी बेटी के न लेकिन दामाद आगे ऊपर बंश को चाहे लड़ बंश को लेकिन सास तो वो करा वही नहीं माना ले आप सब देखते मत ये कर ड्रिंग न धराए सास के अब दमा दल दमा दल दमा दल अभी वो साला वही में उबारी हुई वो फूल के मौत बा माई हमारे मन ही था
जाके दोनों हाथ के जब माई की प्रणाम जौन बाप मातारी के कहियो प्रणाम न फैल आए भैरसों में जितना ब्याह कर लेबे जौन सासे ससुर के प्रणाम करत घरे रही तब बाबू आ ससुराल चल गए तब बाबू जी घरे रही तब माई या ससुराल चल जाये तब माई जी उनमें जी लगा दे बुझा ले उहे पोसले पलने बजाने अभी कलयुग के हिसाब से अब पुगल जब माई जी कहल तो बुढ़िया आओ सफर डेंग दिया कौन पुरिया करे कौन नहीं पुतली करे हमार दामाद गुरु बाबा माई जी कह के बोर छू दे अब बल्ला वाले का कूदे ला अब कही तो जाके घर में मेहमान में जाए अब बेटी ए देखो वो किने भर दम कहिए माई ए दम मेहमान दी बोले खाए कोई नहीं जा जा खाए तो न पन ले गई पूरा के लो अब कुर्सी दई त जाओ दा कुर्सी न रहे बुरा ले जाके एगो डीए पी के भल छीट ले रहल ले जा को बैठा अब डीए पी बुरा को बजे तो वट चुतर हो गया बोल छबर कराई अब बुरवा बिछा दे बरुआ बिछाल से ओकरा हौगाए लागल ल तो ओकर वो सारा तैका ढलान बला रह चातवा के पजरी ऊंच आ एने ओरिया ले ओरी नीच भाई घुसकाते घुसकाते बरुआ के ए नाली कले चातवा ओरी अब तो दामाद बैठ गेल टाटोरी अब मेहमान बैठ गेल निमन से पानी उनी चली गेल खाए के व्यवस्था तो कहते गे माई कहाँ कुछ बनैले बड़ी भात रहले तो ओरा गेल बस के बात कैसे कथी ए बाबूला खिचड़ी बनैले रही है बाबू का खिचड़ी दे बुढ़वा ठुलो खाम खाऊ के पहले मेहमान के क्या पूछो है भूखा ले खिया दे अब मेहमान के हाथ में एक छिपा खिचड़ी धरा अब धरा गेल तब खिचड़ी जब धराल छिपा में तो चाटवा और ऊंचा ये दे मेहमान और नी भाई से अब तो छिपा रहे कांटा आए आधा छिपा खिचड़ी आधा मगर ऊपर माकी रहे अब आधा छिपा खिचड़ी धरा गेल तब कही तक बुढ़िया जगह बा खाली खिचड़ी है तरकारी उतारी कुछ चोखा उतने भांडा उठा न पूछो न हो आ टमाटर बस एक नींद दिली सब खत्म है ऐसा ठीक है तुम्हें कुछ तो अब कथी है हाँ आ घी हुआ घी हुआ 250 ग्राम घी ले हुआ पाव भर ले तो हाँ घी हुआ टॉस ले 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 लो अब वो घी हुआ के हाले से चूल्हे में धा के गर्मा के आ वो सब पानी घी हुआ के बना के आ सास के माँ या दामाद के छिपा में ले जाके ऊपर से धर अब पूरा खिचड़ी नीचा पूरा 1 इंच ले ऊपर घी छल छल कर घी खत्म अब बताओ वो घी धले बुढ़वा के खाए ला फूक अब बेटिया के डब्बा बाबू के सिरप न की डाले फोकी के घी में से रहले तो कहे मरो चाहे जीव दमाद अब दमाद के धर आ गेल अब दमाद देख ला घी तो एक डब्बा माई जी तो हम कहले ससुरारी ये तो हमरा नेपाल में सबसे ससुरारी से हमरा ठीक बे अब खिचड़ी जब देखा ल आ ऊपर से घी घी देख ल छल 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 अब तो दमाद के मुंह पनिया गेल अब हाथ लगाओ अब हाथ पर आवल ओही ताक पर कल एगो लेढ़ा रहे ससुर जवन पुग जाईता कदे गाला है ए कदे गाले बुढ़िया चुपना दिमाग चुपना खाए बोल चलो चलो अब जाए तो जगह तो दमाद के तो दमाद से बेसी अब एक माया लग जाए खिचड़ी अब बाप 4 दिन से कहते रहते का घी वाले अब तो न लिए दामदा के पूरा घी भी धर दे वो टांस के अब तक घी पर ही ससुर लोग भाग ले का इस साला दमाद तो पूरा घी चाप दी का अब ससुरवा कहीं तो दाम तो वो अपन बुढ़िया सुन ना बाबी के कह दे यही लंग लिया ताई जैसे कि दामाद के घी दे ले तो हमरो घी बदी अब यही लंग लिया तो यही ना बैठल बाड़ी अब बताओ छिपा रहे कर अब जब भी बैठ गेल बुढ़ो वही लंग तब बुढ़िया का खिचड़ी चोड़ा लाग लिए कर ले दामाद के मिल गेल तो खाए खिचड़ी थी तब बाद में खाई जा अब न है अच्छा बात में कबई वही लेड़वा दाम दा कहते बाबूजी बाप तो बापे जब ससुर तो बापे लेखा हो गई आ बाप के कहे आओ नहीं में बैठ ना जाओ ओकरा कहे में टाइम ना ससुरवा के बैठे के टाइम
अब दामदा ये पुरी से आ ये पुरी से ससुरा वा घी या तेर वा छिपा पर्वत वा पूरा घी धमा आ ससुर उरी देखे त आधा छिपा पर से सुफल अब ससुर कहते ये कौन दिमाग लगा पूरा घी तो उन्हीं डब मेहमान अब ससुर के तो दबा के मेहमान भोर तक कालू हम परसों बॉबी के लिए आएगा के लिए बोला आ रहुआ की एको दिन अब देखिए अंगुली उठा दे एको दिन अब दामाद देखे तो अंगुली एको दिन अपने के कहते माता रब अंगुली चल गए छिपा के कौन को एक दिन एको दिन बर्दाश्त न भेलक एको दिन बर्दाश्त न भेलक अब जब वही घीच लग तब वही बीच में पानी खाना अब पूरा घी अब दामाद उड़ी से ससुर अब दामाद कह जा ससुर तो बहुत होशियार मुझे लगे तो पूरा घी वाले लेके लेके को पानी में कहला कौन बेकार के हम कहिए बैठे सुख ले खाए के बाबू जी एक दिन हम तो साफा दू दिन के बाद आए वाला रही अब दू गो बता दिल घी पूरा फिर दमाद सब ससुर कह जाके दमाद जब आए ला तो तीन दिन के बाद अब फिर घी मिले काहे तो ओकरा बाद कह जाके ला बाबूजी जब आ गेल बड़ी तब पाँच दिन हम रहिए के जा अब ससुर कहते अभी सारा दवाज मार मेहमान जब आल बढ़ा तो एक ही नौ रतन पूरा अब पूरा घी व खिचड़ी लदर बदर पूरा सोना गल तो कहते हाँ खाए अब हो गए बड़ा खाए लग घी खिचड़ी मिलिए कि खाए लग चले तो कहते हंसली बड़े बन के लागल बहुत अच्छा लागल।